नमस्कार, मैं हूँ एस के मालवी और आप देख रहे हैं S24। S24 में बहुत स्वागत है आप सभी का। आइए देखते हैं आज की खास खबर। खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मैं कुलजीत सिंह, महासचिव गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार पिपलानी BHL, समस्त समाजवासियों को, देशवासियों को, प्रदेशवासियों को खालसा पंथ सिर्जना दिवस विसाखी की बहुत बहुत बधाई। आज हम लोगों ने गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार पिपलानी में खालसा पंथ सिर्जना दिवस मनाया, जिसमें रात का दीवान था और पूरे भोपाल के स्त्री सत्संग ने मिलकर के रात के दीवान में कीर्तन किया। अभी सुबह के दीवान में भोपाल के सभी गुरुद्वारों के रागी जथों ने मिलकर के गुरबाणी का गायन किया, संगत को हर जस के साथ में जोड़ा। श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने 1699 में आज ही के दिन खालसा पंथ को बनाया था और पांच प्यारों को पहले अमृत पान करवाया, उसके बाद उन पांच प्यारों के आगे खुद मांग की कि मेरे को भी अमृत पान करवाओ। इसीलिए गुरबाणी कहती है, वाहो वाहो गोविंद सिंह आपे गुर चेला। पहले गुरु के रूप में, फिर चेले के रूप में, यहीं से समस्त सिख समाज को एक संदेश मिलता है कि ना कोई ऊंचा ना कोई नीचा, सभी एक ही सूत्र में पिरोने का काम किया है। आप दूसरे सभी धर्मों के लोगों ने देखा होगा कि सिख धर्म में ऊंच नीच को दूर रखा गया है, सब लोग एक पंगत में बैठ करके लंगर ग्रहण करते हैं बगैर किसी भेदभाव के। ये सभी संदेश गुरु महाराज ने हमें दिए हैं। एक बार फिर आप सभी को आपके चैनल के माध्यम से खालसा पंथ सिर्जना दिवस की बहुत बहुत बधाई। मेरे बाई तरफ खड़े हैं ज्ञानी गुरपेश सिंह जी, जो कि गुरुद्वारा नानक सर हमीदिया रोड के हेड ग्रंथी हैं। उनके पास में खड़े हैं भाई साहब भाई जरनैल सिंह जी, जो कि गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा टीटी नगर के रागी जत्थे में से हैं, रागी जत्था है। और मेरी दाई तरफ खड़े हैं हमारे गुरुद्वारा के कैशियर साहब सरदार दलविंदर सिंह जी। हम सभी मिलकर के समस्त देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, समाज को इस पावन दिहाड़े पर बहुत बहुत बधाई देते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे कल एक और खबर के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।